जी सॉरी ऑडिट सुन इस पे तो बात हो रही। यूनिट्स की बात हो रही थी, इक्वल यूनिट्स मतलब प्रॉब्लम और डली है ना सर। सर जी इसमें नई चीज आ जाती है मटेरियल रेट वेरियंस। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 बोले था पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिएगा, अगर तो एक से ज्यादा मटेरियल्स हो, मटेरियल ए भी था मटेरियल बी भी था, तो एक से ज्यादा अगर मटेरियल्स हो तो क्या करेंगे, तो ज्यादा वर्किंग कर रहे। ठीक है, यहाँ पर आए यहाँ मटेरियल तो एक ही है, लेकिन एक मिनट कैलकुलेटर ढूंढ लीजिए, बल्कि शायद वो क्वांटिटी तो निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आएगा, मटेरियल तो एक ही है लेकिन उसके एक्चुअल रेट्स डिफरेंट है। ऊपर आया जरा क्रेडिट रिटर्न, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट दिया हुआ, वहां तो 40 क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है लेकिन एक्चुअल रेट 2 हो गए, तो अगर तो मटेरियल अलग है तो उसकी तो वर्किंग अलग हो जाएगी, और अगर एक्चुअल रेट से एक से ज्यादा है तो आप फिर वर्किंग अलग अलग कर लेते। कैसे, प्राइस वेरिएंस का जरा फॉर्मूला बोला। प्लीज डाला, शायद आंसर वही आना, लेकिन अलग अलग वर्किंग करना। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब प्रॉब्लम जो है वो जरा सही तरह समझना। एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखो बहुत बार 19 लाख लिखे कैलकुलेट किया करें, नहीं 19 लाख डिवाइड बाय 38 रुपीज कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज, तो 50,000 क्या है केजीज में रेट दिया हुआ। तब प्रॉब्लम ये कि इस 50,000 ने अपने रेट से मल्टीप्लाई होना, नीचे क्वांटिटी कैलकुलेट करना 84 लाख, सॉरी 1 सेकेंड, ये 84 लाख डिवाइड बाय 42, तो सिंपली मैंने कहा ही है, कह मैं ये रहा कि अगर मटेरियल एक ही है लेकिन उसके एक्चुअल रेट्स एक से ज्यादा है तो सिंपली क्या करें, तो उनके अलग अलग वर्किंग सॉल्व करना। अब रेट 40 है और 50,000 केजी का एक्चुअल रेट 38 है, स्टैंडर्ड रेट वही है और 42 हो जाएगा, तब एडवर्स और फेवरेबल के एंगल्स फाइनल कर लेंगे। 1 लाख फेवरेबल और 4 लाख एडवर्स है, ऑब्वियसली नेट ऑफ करके फाइनली प्राइस वेरिएंस 3 लाख एडवर्स है। ठीक है, छोटा सेंटेंस अगर साथ देखें, मैं ये आया मसला कि देर आर मोर देन वन एक्चुअल रेट्स, यहाँ 38 और 42 दिए, इफ देर आर मोर देन वन एक्चुअल रेट्स, देन प्रिपेयर सेपरेट वर्किंग्स, सेपरेट रेट बिलिंग्स, देन कैलकुलेट सेपरेट रेट बिलिंग्स। मोर देन वन एक्चुअल रेट्स, देन कैलकुलेट सेपरेट
रेट वेरिएंस। ठीक है, कोई इशू नहीं फाइनली। अब मुझे साथ साथ बता दीजिएगा जहाँ पर जरूरत पड़ती है, मुझे आइडिया है वैसे, ओवरहेड्स में तो मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल। यूजर वेरिएंस में प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, यूजर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वहां क्वांटिटीज का कंपैरिजन होना, तो वहां एक्चुअल रेट है ही नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाइड बाय, तो वो 40 लेना है, इसमें तो नहीं प्रॉब्लम। लेबर रेट और एफिशिएंसी में आता हो गया सॉल्व। बाकी फिर लास्ट में भी आता है, लास्ट टू को समझने के लिए ऊपर पॉइंट नंबर वन कर। और प्लीज अब इस तरह की बातें जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, अगले क्वेश्चन में काफी सारी आई हैं, तो वो कंडी जरा एक दफा कोशिश करें फाइनल हो जाए। एक वर्ड जरा स्टार्ट में दूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ, एक मैं सॉल्व कर लेता हूं, अगर हो भी गया तो कहीं सही रिवाइज करना मैं सॉल्व। वो कहता है 130% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर? 120 मल्टीप्लाइड बाय 130%, 156। What is 156? मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें जरा सारे, मेरे पास रजिस्टर खोलना जरा, चंद बातें मेरी जरा और लिख के सॉल्व करें। लिखा हुआ वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, पर यूनिट 120 मल्टीप्लाइड बाय 130% इज इक्वल टू 156। क्या है ये पूरा बदल कर बोलते रहे, अगर फाइनल करें स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट लिखो। हमें असल में क्या रिक्वायर्ड है, पर आज भी बाद में, लेकिन हमें पर यूनिट भी वैसे रिक्वायर्ड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमें पर यूनिट भी रिक्वायर्ड होता है। प्रॉब्लम सबसे पहले ये कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है, तो इट शुड बी सेपरेट बिटवीन वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड से क्या मीनिंग होता है कि फिक्स और वेरिएबल की इकट्ठे बात हो रही है, तो इसको सेपरेट करना है, फिर डेफिनेटली पर आर भी चाहिए पर यूनिट भी चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। इसको ब्रेक करने के लिए इसने एग्जामिनर ने पॉइंट नंबर टू हमें दिए, पॉइंट नंबर टू पढ़े। पॉइंट नंबर टू में क्या लिखा, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, अब ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर, कितने ये बजटेड 3 मिलियन है बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑन 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक सेकंड के लिए कल वाला क्वेश्चन ढूंढो जरा, एक्सीलेंट बजट पर पेज नंबर 148। नॉर्मल कैपेसिटी कल भी वर्ड तो आया था वैसे, लेकिन वहां और यहाँ में एक डिफरेंस है, वहां लिखा था 45,000 यूनिट्स, यहाँ क्या लिखा है 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो नॉर्मल कैपेसिटी मुझे फाइनल करवा दें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्या अगर इंफॉर्मेशन ही है तो नॉर्मल कैपेसिटी मीन्स बजटेड कैपेसिटी भी है, ये लिखा एक दफा दोबारा।
लेकिन बजटेड कैपेसिटी यहाँ आज में के बना है, बाकी अब सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, वो इशू नहीं है। सेंटेंस पढ़ के अब ये बताया नेक्स्ट मुझे, क्या मैं इस लाइन को पढ़ के फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक पर आवर स्टैंडर्ड रेट निकाल सकता हूँ? पर आवर मैंने यह क्यों बोला, क्योंकि आवर्स गिवन है, मैं यही नंबर 75 में चले रहे, आते जाते रहिएगा करंट। पेज नंबर 75 के स्टार्ट में एक अब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैलकुलेट हुआ, कैसे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, अगर बजटेड यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास आवर्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड लिखिए नेक्स्ट लाइन में, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर आर फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसको फिर पर यूनिट भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ मैं करूंगा, आपने प्लीज जरूर सोचना मैं साथ साथ। फिगर्स बोल देंगे क्या करना, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 40 पर डायरेक्ट लेबर आर, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 40 पर डायरेक्ट लेबर आर, अच्छा है आपने किया होगा, जरा मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ भी रिवाइज करो, ये हो गया यहाँ तक। अब 156 ढूंढने के ऊपर पर यूनिट है और नीचे पर आ रहा है, अब जरा डेटा देखें। अब आपको इस तरह ये पता है कि एक यूनिट का बनाने में आर्स कितने लगते हैं, उन्होंने कहीं 1.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। अब अपना 156 रुपीस और से देखें, ये पर यूनिट तो है, लेकिन क्या मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो 156 रुपीस है ये डेढ़ घंटे में इंकर होते हैं, एक यूनिट डेढ़ घंटे में बनता है, तो ये डेढ़ घंटे के ओवरहेड है, तो क्या इसे मैं पर आवर बना सकता हूँ? अच्छा कुछ भी ना सॉल्व करे, सिर्फ और से चीजें ये देख के बताएं, 156 को देख के कि पर आर ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए, पहले कंसंट्रेशन से सोचें, डेढ़ घंटा भी देखें 156 रुपीस भी देखें, वो ठीक हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिसीजन लें कि पर यूनिट 156 है और 1.5 आवर्स लगते हैं, तो एक घंटे के ओवरहेड्स 156 से ज्यादा होने चाहिए, ये डेढ़ घंटे के ओवरहेड्स है, ये ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, पर आर ज्यादा क्यों नहीं इस केस में होना चाहिए, ये ऑलरेडी डेढ़ घंटे का खर्च है, अब हम एक घंटे का निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेटर उठा कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आर, ये सब पार्टिसिपेट करें कैसे करें, 156 रुपीस डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स इज इक्वल टू व्हाट इज 104 स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर, पूरा बोल के लिखते हैं, ये बेटा मैं बताता हूँ कैंडी, देखो मैं अपनी बात पूरी करूँ फिर अगर कोई फर्दर आएगा, मैंने हर एंगल से बताना, तो कैंडी 2 मिनट दे, बहुत से तरीकों से हो सकता है, तो लेट मी कंक्लूड कर,
ये ठीक है ना। अब बेटा ये 40 और ये 104 देखे हो सर, क्या है 104? फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पर आर है और 40 के फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आर है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या निकल सकता है? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर निकालो। कैसे निकाला? डिफरेंस ले लिए फैक्ट्री ओवरहेड का रेट। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो चीजें हैं ना, फिक्स वेरिएबल, फिक्स एंड वेरिएबल। तो 104 में से क्या निकाल दिए, 40 इज इक्वल टू 64 क्या आ गया, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। अदर कैंडी अपने जहन में वेरिएंसेस लाए, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस जबानी ट्राई करें सर, जहन वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस के ब्रेकअप के नाम बोलना, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोलना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो ये जो रेट्स है ना यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स में, वो आपको आर्ली चाहिए। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट पर आर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसने आर से मल्टीप्लाई करना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोला, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, वहां भी आर ही है मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आर ही रिक्वायर्ड है। तो ये 64 यूज हो जाएगा। लेकिन अब आएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। फिक्स्ड ओवरहेड्स का नाम पढ़ लेना, क्वेश्चन में भी लिखा है कौन कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस निकालना। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा ख्याल है कि आप डाटा देखें सर, कहेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है पॉइंट नंबर 2 में 3 मिलियन और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी गिवन है, तो ये तो मेरा ख्याल इशू नहीं है। इसमें रेट रिक्वायर्ड भी ऐसा नहीं होता अनलेस कि हमारे पास वो बजटेड एक्सपेंडिचर ना हो। वॉल्यूम में आ रहे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, अप्लाइड और बजटेड, वहां यूनिट्स की बेस पे क्योंकि डिसीजन होना है, तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट रिक्वायर्ड होता है। सारी लाइंस पढ़े जो भी मैंने सॉल्व किए चार, जरा देखो ये रेट्स, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ गया नहीं आया, सब हमें चाहिए पर आर आ गया, हमें पर यूनिट बनाना। तो पर यूनिट अब कैसे बन सकता है, और इसके भी बहुत से बेस हो सकते हैं। एक इजीएस्ट वे शायद इसको जरा देखो, ये जर सेकंड लाइन में जाए 40 के एक घंटे के फिक्स ओवरहेड्स। दोबारा क्वेश्चन देखें, एक यूनिट को रिक्वायर्ड आवर्स कितने। तो अब पहले ये सोचे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था 40 पर आर है और हमें अब पर यूनिट तक जाना है, और एक यूनिट को 1.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। पर यूनिट ज्यादा होगा या पर आवर, अरे इस एंगल सोच रहे वजह, 40 रुपए घंटे का ओवरहेड है और एक यूनिट को डेढ़ घंटा लगा, तो क्या डेढ़ घंटे के ओवरहेड्स ढूंढने हैं हमने, तो एक घंटे को डेढ़ घंटे के ओवरहेड्स में कन्वर्ट कर। तो लिखते नेक्स्ट एंगल, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट कैसे, 40 डिवाइड बाय करो, 40 को आगे लेके जाना कहां, 1.5 व्हाट इज 56 60 सॉरी व्हाट इज 60 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर रेट पर 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको ये चाहिए वेरिएबल ओवरहेड्स में और ये चाहिए कहाँ,
फिक्स ऑर्डर्स के वॉल्यूम देंगे इसमें। तो ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ठीक है सर, अब एक और काम करने अब जो हो रही बात, 156 ढूंढने पर ही बहन पूरे वर्ड बोले क्या है कि पर यूनिट है। लास्ट लाइन देखेंगे ये भी पर यूनिट है, डिफरेंस क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का। कैलकुलेटर में डिफरेंस लगा 96 का नाम पूरा बोलने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट हमारा तो 64 है। कैलकुलेटर पकड़ 64 पर आवर को जरा पर यूनिट में बनाएंगे नहीं भाई, मतलब मत कैसे आगे जाएंगे इनटू 1.5 तो 96। इसको भी जरा जरूरत नहीं है शायद इस वक्त इसकी, लेकिन ये भी जरा सॉल्व करो। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट अगर पर यूनिट बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाया जा सकता है? वन सिंपल वे इज 156 माइनस 60 इज इक्वल टू 96 पर यूनिट। ऑल्टरनेटिवली 64 पर आर आ चुका और वन यूनिट रिक्वायर्स 1.5 आवर्स, 96 पर यूनिट। तो प्लीज इस वक्त जो मल्टीप्लीकेशन हो रही, मल्टीप्लाई जब कर रहा हूँ, डिवाइड जब कर रहा हूँ, इसमें कोई अब कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए फ्रेंड, अगर है तो बता दीजिएगा। वो मेरा ख्याल वैसे ही गलती से लिखा हुआ है, किसने बनाने की कोशिश की है ट्रांसलेशन बन गई, वो मेरे ख्याल मिसप्रिंट हुआ लगता है, वो मैं एक नजर जरा देख लूं। बी रिक्वायरमेंट ठीक है, बी रिक्वायरमेंट तक ओके प्लीज, अगर किसी का रह गया तो अब कंप्लीट हो जाएगा नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कोई फिगर रह गई थी तो। ये रिकंसिलिएशन में मेरा ख्याल है कि शायद एक मिस्टेक हुई भी, तो वो मैं इधर एक नजर देख लूँ, फिर मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ। बीच में टाइपिंग आना लगा, इसने बनाई थी वैसे रिकनसाइल हो गई, वो वैसे ही लिखा हुआ मेरे ख्याल बीच में। अब अपने वेरियंसेस को बीच में लिख के ये रिकनसिलेशन कहाँ बनाई हमने पहले, बल्क लिमिटेड जरा ढूंढे नहीं, ये वाली रिकनसिलेशन डिफरेंट है उससे जो हमने ए बी सी वाली बनाई थी। ये किसके दरमियान रिकनसिलेशन है, ये खर्चे के दरमियान है। तो हल्क लिमिटेड में ये बनी हुई है बजटेड एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ बीच में वर्किंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर मटेरियल और है, और एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर ये वाली जो चीज़ रिवाइज होगी ना, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स और है, वहाँ जरा ये सिचुएशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल कंप्लीट करना, फिर अगर कोई मसला रहेगा तो फिर डिस्कस करता हूँ। बीच में जो रिकंसिलिएशन के आंसर में आइडल टाइम वेरियंस आया हुआ, ये ऐसी मिसप्रिंटिंग चल रही है, तो आप अपना कंप्लीट करें, अगर इशू रहेगा तो कल डिस्कस कर सकते हैं। क्या करना फेसबुक ऐसे टाइम वेस्ट बहरहाल, आई मस्ट अज्यूम कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू की है ठीक है, मतलब मेरा भी गुमान यही था, लेकिन बहरहाल इसमें दो तीन चीजें ऐसी थी जो मैं चाह रहा था डिस्कस हो रहे, लेकिन आप यही निकाल इसे फिनिशिंग टचेस दे दीजिएगा कोई, इसमें आइडल टाइम वैसे लिखा हो तो कल इंशाल्लाह दोबारा अगर जरा पढ़ के देखें। पेज नंबर 92 सर सामने रखो, बेटा इसलिए रिकनसाइल नहीं हो रहा क्योंकि आप वर्किंग ठीक नहीं कर रहे, तो मैं कल कर लेता हूँ डिस्कस, उसमें आइडल टाइम की कोई इशू नहीं है।
एक सेकंड सॉरी मैं जरा वापस आइएगा, पेज नंबर कौन सा था? नहीं ये जो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, एक जरा काम और कर ले जरा, बजटेड यूनिट्स भी शायद नहीं निकाल सके बच्चा। पॉइंट नंबर 2 का है ये, पॉइंट नंबर 2 प्लीज, पेज नंबर 129 पे एक्सेक्यूट करो। इसमें 75,000 लेबर आवर्स है, इससे जरा यूनिट्स निकाल देगा, बजटेड यूनिट्स की जरूरत पड़नी है आपको वॉल्यूम वेरिएंस को। नहीं एक सेकंड, पहले ना इसको जरा कंसंट्रेशन से इस एंगल से पढ़ ले, ऐसे ही कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, उसे लॉजिकली पढ़ लो। 75,000 क्या है? ये आवर्स है, बजटेड आवर्स। अब ऊपर जाए पॉइंट नंबर 1 में, एक यूनिट को आवर्स रिक्वायर्ड कितने, पहले ये फैसला करें आराम से सोच के कि यूनिट्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। 75,000 घंटे हैं, क्या आप इन 75,000 आवर्स में 75,000 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे या कम बनेंगे? क्यों कम बनेंगे? डेढ़ घंटे में एक बन रहा, डेढ़ घंटे में एक बन रहा, तो 75,000 आवर्स है ऑलरेडी, तो इन आवर्स में अब यूनिट्स कैलकुलेट कर लें तो करें हिम्मत, 75,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इन घंटों में कितने यूनिट्स बन सकेंगे? 50 के बन सकेंगे। अब 50 को 75 के साथ देखें, तो ये सही तरह देखें, एक यूनिट ने टाइम लेना कितना, तो 50,000 यूनिट्स अगर बनाने हैं और यूनिट आप डेढ़ घंटा लें, 75,000 घंटों में ही 50,000 यूनिट्स बन सकेंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गए? 75 इसकी भी वर्किंग करने के लिए कभी दोबारा इधर, एक अच्छा सवाल है, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो आगे जाकर रिपीट होंगे, तो 75,000 डिवाइड बाय, ये ठीक है प्लीज सब कर, डिवाइड बाय 1.5 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और शराज साहब दोनों तरीके हो सकते हैं, प्लीज यार बस कर दें यार, बस कर दें, कल भी ऐसे ही हुआ था यार, आज भी ऐसे ही हुआ, ना कल सही किया ना आज सही कर रहा है। 80 को 130% से मल्टीप्लाई करेंगे उसी पेज पर, ये क्या है जरा ढूंढे मेरे पेज, वर्किंग करवाइए दोबारा, रजिस्टर में देखा 80 को 1.4 130% करें, ये आर्ली रेट है, आर्ली रेट से फैक्ट्री ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ जाएगा, 104 ढूंढने के आया अभी, तो जब आर्ली रेट को आर्ली रेट से 130% करेंगे तो वो आर्ली रेट आ जाएगा। मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, 120 इनटू करें दोबारा, पर यूनिट का 130% करेंगे तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट आ जाएगा, और अगर रेट को 130% करेंगे तो पर आर रेट आ जाएगा। कल भी ऐसे ही आया, आज भी वैसे ही आया, कल वाला एक्सीडेंट निकला था, और सभी लगे कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन लैब्स है, प्लीज देखा करें, सही देखा करें, कल मींस एक्सीडेंट निकाला पेज नंबर के, इस 148 में ऊपर ढूंढे कहीं, यहाँ भी कितने परसेंट दिया होता था, कहीं 30% वेरिएबल ऑवर से नहीं, किसके बारे में बात हुई, वेरिएबल ऑवर 30% ऑफ, तो इसका पर यूनिट होने जरा क्या, लेबर का पर यूनिट, लेबर 25 पर यूनिट, ऐसी है, इसको करें जरा मल्टीप्लाई, 25 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 क्या था पर यूनिट, ब्रैकेट में जाए लेबर की, 50 रुपए के है पूरा बोले, लेबर एड पर आर, अब 50 को करें जरा मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई 30%, ये क्या आ रहा है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर, अब आरली से किया तो पर आर, यूनिट से करेंगे तो पर यूनिट, एंड सेम इज द थिंग है, तो प्लीज इसको कर लीजिए, कोई ऐसे ही मुश्किल ना बनाए, लॉजिकली सोचें, मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन आपकी एफर्ट भी अपनी
रिक्वायर्ड है साथ में। पेज नंबर अब 192 का, और रजिस्टर का जरा कंडीशन है, पेज निकालो। पेज नंबर 92 के बिल्कुल एंड में एक हेडिंग मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? फोर वेरिएंसेस मेथड फॉर ओवरहेड्स। कंसंट्रेट फुल करना सर, ये वही बात जरा एक दूसरे तरीके से होने लगी। वी आर ऑन पेज नंबर 92, हेडिंग लिखी हुई है फोर वेरिएंसेस मेथड फॉर ओवरहेड्स। एक सेकंड, इसको एज इट इज छोड़ दे हेडिंग को, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पे जाएगा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, सॉरी 1 में। कंप्यूटर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस, बताएं कौन कौन से जल्दी से वेरिएंस कैलकुलेट करें। ना करें यार ऐसे, ये तो जवाब है यार, फर्स्ट वाले करेंगे मतलब यार। नॉन करंट एसेट्स के फर्स्ट वाले कर लेंगे, करंट एसेट्स में कैश भी कर लेंगे, कौन से फर्स्ट कर लेंगे यार, मजाक। इस हद तक क्वेश्चन साइलेंट हो गया सर। मटेरियल का रेट और यूसेज, लेबर का रेट, एफिशिएंसी, ओवरहेड्स पे गौर करें। दो वेरिएबल के, दो फिक्स के। वेरिएबल का कौन सा? दो, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, आगे एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, तो ये भी चार ही बनते हैं ओवरहेड्स के एंगल से। कौन कौन से? दो वेरिएबल वाला, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इस तरह पूछे, अगर एक पेज आगे 94 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना, इसकी रिक्वायरमेंट ढूंढना, कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस के बाद अगर बात खत्म हो जाए फिर तो ये वही बात है जो पिछले पेज पे हुई। लेकिन अगर वो कहे यूज अंडरलाइन कर और वेरियंस मेथड फॉर, ये सारी जो इस वक्त डिस्कशन होने लगी है ये ओवरहेड्स से रिलेटेड। तो अगर वो कहीं खुद से वर्ड लगाए कि फोर वेरिएंसेस, फोर वेरिएंसेस फॉर ओवरहेड्स, देन फिर एग्जामिनर उन उन फोर वेरिएंसेस से क्या मुराद लेता है, अब जरा रजिस्टर करो। फोर वेरिएंस मेथड फॉर ओवरहेड्स, अगर एग्जामिनर फोर वेरिएंस मेथड या फोर वेरिएंसेस फॉर ओवरहेड्स वर्ड खुद लगा दे फोर वेरिएंसेस, तो उस केस में फिर कौन से फोर वेरिएंसेस हैं, ये करनी है अपने, थोड़ा सा लिख के अपने पास रखेंगे। हेडिंग लिखते हैं फोर वेरिएंस मेथड फॉर ओवरहेड्स। लिख लें हेडिंग, लिख लें या नहीं लिखें, बाद में लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे, तो मुझे बता दूंगा। अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए ओवरहेड्स, तो क्या अब आप जहन में लेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड? फैक्ट्री ओवरहेड से क्या समझें? फैक्ट्री ओवरहेड यही समझें, और अगर फैक्ट्री वर्ड ना भी ओवरहेड्स यही समझेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी यही मतलब है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यही बात हो रही है, ओवरहेड्स। अगर आपके सामने बोले प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर ये ना समझ लीजिएगा वो फिर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो भी तीनों है। लेकिन जस्ट ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, ठीक है। सबसे पहले अब हम कुछ फर्दर लिखें या कोई नई बात समझें, पहले आप इस तरह करें एटलीस्ट नामों की हद तक चीजें जरा जहन में रहता टीप से। एक है वेरिएबल ओवरहेड्स का,
टोटल वेरियंस पर है सर, फिर इसका एक ब्रेकअप है, जल्दी बोल रहे एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, बस यही, इसका फर्दर कोई ब्रेकअप नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरियंस, टोटल वेरियंस, टोटल वेरियंस, टोटल का फर्स्ट ब्रेकअप, ये फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी डिस्कस करता हूँ। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, लेकिन फिर इस वॉल्यूम का एक फर्दर ब्रेकअप भी है, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरियंस, तो ये वेरियंसेस है जिनकी ओवरहेड्स में हमने स्टोरी पढ़ी है। अगर वो फोर वेरियंस मेथड आपको कहे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के रॉबर्ट सामने रख लीजिए, पेज नंबर 94 पे आप है, और एक दो दफों से बार बार देखा फोर वेरियंस मेथड फॉर ओवरहेड्स, बट देन सर फिर उसका एग्जामिनर चाहता आपसे ये है कि आप ये काम करें, क्या टोटल कुछ नहीं, टोटल कैलकुलेट नहीं करना, पहला वेरियंस पे जो कैलकुलेट होना, अभी आराम से बाद में लिखिएगा, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं होगी, वो कैलकुलेट करना फिर आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस अलग अलग नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरियंस कंबाइंड कैसे होना वो इंशाल्लाह मैं बताता हूं, लेकिन वो फिर नंबर वन आपसे क्या मांगा, पूरे वर्ड्स बोले, ये किस किस का सम आएगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का सम कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो अभी तक कितने हुए फिर वेरियंस, एक हुआ। नंबर टू, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरियंस एज इट इज, फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इसमें कोई चेंज, ये एज इट इज। नीचे फिक्स ओवरहेड्स कोई टोटल, कोई टोटल नहीं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम की जगह उसका ब्रेकअप, चार पूरे हो गए सर, नाम बोलने शुरू करो, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस नई चीज है वो मैं बताता हूं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस एज इट इज एंड इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, इट्स ब्रेकअप इज कैलकुलेटेड एज इट इज, जैसे होता है, कौन कौन सा, कैपेसिटी वेरियंस एंड एफिशिएंसी वेरियंस, तो कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला ट्राई करें सर, डिवाइडेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, एफिशिएंसी कोशिश करें, अगर मैं इस सारी डिस्कशन के बाद आपसे ये कहूं कि इसमें सिर्फ नई चीज फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस कंबाइंड है तो क्या आपको यकीन आ जाएगा, एक सेकंड, पेज नंबर 92 पर, एक सेकंड, पेज नंबर 92 पर, उसके एंड में ये जो मैंने अभी आपके सामने बात की है वो सारी लिखी हुई, तो काइंडली पहले वो पढ़ लो फिर मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। देखो क्वेश्चन रिक्वायर्स फोर वेरियंस फॉर ओवरहेड, फोर वेरियंस फॉर ओवरहेड्स, The following variances shall be calculated. Number one, बोलते रहे, combined factory overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance as discussed previously in the exactly same manner. Calculate only the breakup of fixed overhead volume variance, that is capacity and efficiency variance. तो चार यहाँ कैसे बने हैं, वो तीन बने हुए, यहाँ तीन नहीं बने हुए, कैसे चार बने हुए, factory overhead expenditure, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, और जो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ असल में उसका ए बी करना चाहिए, तीन चार करने नीचे कर, सही, बस ये डेफिनेटली अब एग्जामिनर की अपनी ख्वाहिशात है और इन ख्वाहिशात पे अमल दरामद करना आप नौजवानों का काम, तो हम नौजवान अब क्या, सॉरी आप नौजवान अब क्या करने लगे, जहां आपने हेडिंग लिखी है उसके फौरन बाद अब ये बनाने की जरूरत है, बनाने चलें जल्दी से कर, बात
फिर कैंडी एज इट इज लिखेगा, मतलब कौन कौन सा जहन से निकल जाए और कौन कौन सा आ जाए, अगर लिखने लगे तो इसी तरह नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग देखें सर, कि जो स्टोरी में नई चीज पढ़ी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का कंबाइंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बस अब ये वर्ड कंफ्यूज नहीं करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स से मुराद कट्ठी बात हो रही है, एक बार फिर बोलें किस किस की, मटेरियल और लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। चंद एग्जांपल्स बोलें फैक्ट्री ओवरहेड्स की, जब आप ये एग्जांपल्स बोलेंगे तो अब आपको कोई डिस्टिंक्शन ही रखनी है कि इसमें वेरिएबल कौन सा फिक्स कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड्स की मिक्स करके बोल सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, कर लें सर भी वर्णा, तो लोग लिख रहे हैं, लिख के बता दें मिस्टर शाह। समरी कर लें सर, अब सर ये अलहमदुल्ला हमने कोई नई बात नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना, वो जो वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर अलग कैलकुलेट होते थे उनको इकट्ठा करना। तो मतलब इसका सिंपली ये है, आप लिखना छोड़ें आराम से बाद में लिखिएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस अगर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला बताओ। मायूसी खत्म करें सर, into actual hours worked for actual production. उसका ये नहीं है सर, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बना देख लें, देखना नहीं देखना, लेकिन आप ये बात फाइनल करें सर। इट इज कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर कभी ना मिले तो बजटेड प्रोडक्शन प्रोडक्शन घंटों में होती है या यूनिट्स में? अच्छा वैसे प्रोडक्शन ना होती घंटों में ही है, मतलब घंटों में ही प्रोडक्शन होती है, लेकिन अल्टीमेट यूनिट्स बन जाते हैं, लेकिन घंटे बनाते नहीं हम, घंटों में यूनिट्स बनते हैं, तो प्रोडक्शन मीन्स यूनिट्स। तो बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्पेंडेड रेट पर यूनिट किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। फिक्स्ड ओवरहेड्स ये भी अप्लाई रखना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स। देन सर ये अगर इन्हें इकट्ठा करना है तो सिंपली बस ये करना, जा सकती है, बल्कि शायद अगर आपको याद आ जा सके हमने शायद ये ब्रैकेट खुली, मतलब खुली हुई चीजों को ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। एक नजर देखें जल्दी से पिछले पेजेस, फर्स्ट पेजेस जल्दी से देखें, मटेरियल वेरियंस, लेबर वेरियंसेस, ओवरहेड वेरियंसेस, ये ब्रैकेट में पहुंचे कैसे? वो बड़े बड़े बॉक्सेस बनाते रहे और फिर उसमें का यार कॉमन है, एक्चुअल आज वर्ड कॉमन है, ब्रैकेट बना लें। नजर आया, याद है? आने वापस छोड़ दो, बस इतना ही देख लो। मैं सोचा अगर मैं इस तरह कहूँ कि ये ब्रैकेट, ये जो फॉर्मूला, ये सॉर्ट ऑफ इस तरह बना हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, मतलब एक तरफ है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड रेट से, और ऑपोजिटली बताए एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ऐसे नीचे अब ऑलरेडी ब्रैकेट खुली हुई है, उस उधर ब्रैकेट है ही कोई नहीं, तो यहाँ ये एक्चुअल, ये टिक लगाया मैंने, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन टू एक्चुअल रेट, क्या ये एक्चुअल ही है? इससे ऊपर क्या है? एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसी नीचे है, क्या नीचे भी कहीं एक्चुअल है? सर है, ये एक्चुअल किसका है? ऊपर जो एक्चुअल है वो किसका है? अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे? किस किस को इकट्ठा कर लिया जाए तो हम आप कैलकुलेट क्या बनाने का लगे, फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरियंस, इसका फॉर्मूला क्या बनना शुरू हो जाएगा? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्या ढूंढा करेंगे क्वेश्चन में, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स या एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? अगर ये अलग अलग मिला करेंगे तो इकट्ठा कर दिया था, अगर ये इकट्ठे केवल होंगे तो हमें इकट्ठे ही चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं ये जो मैंने फिगर लिखी है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की, इसमें से इसमें मैंने ये भी कंसिडर कर लिया है और ये भी कंसिडर कर लिया है। सर बारा देखने कौन कौन सा, ये भी कंसिडर हो गए, ये भी कंसिडर हो गए, कौन कौन सा कंसिडर हो गए? दोनों फार्मूलाज में से एक्चुअल कंसिडर हो गए। और क्या इसका कंपैरिजन ऐसे होना चाहिए? ना ना ना, वेरिएबल ओवरहेड्स में से क्या उठाएंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आराम से लिखिएगा पहले देखें, वेरिएबल ओवरहेड्स में से क्या उठ जाएगा? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 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 स्टैंडर्ड रेट ऐसी, और नीचे से क्या उठेगा? क्वेश्चन साइलेंट है मेरा, क्या नीचे से उठ जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठ जाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स से क्या उठेगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स से क्या उठेगा?
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठेंगे। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होंगे तो कैसे निकाल लेंगे? बजटेड प्रोडक्शन लेके, बजटेड प्रोडक्शन लेके मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे या पर आर लेंगे? पर यूनिट लेने की क्या वजह? सबसे पहले ये देखें यहाँ पर क्या मैंने दोनों फार्मूलाज को इकट्ठा करके उठा लिया है। एक्चुअल में क्या क्या उठ गया? एक्चुअल आज वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, और नीचे से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को इकट्ठा करके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और जो चीजें रह गई थी फार्मूलाज में वो मैंने एज इट इज लिखी है। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन्हें आपस में कंबाइन कर दिया। लेकिन आप इस तरह करें, हम एक वर्किंग भी साथ कर लेते हैं, और शायद कल वाली जरा वर्किंग मुनासिब रहेगी आपके पेज रजिस्टर, पिछले पेजेस पे रजिस्टर में एक्सेलेंट होल्ड और पेज नंबर 149 का एक्सेलेंट डाटा भी होल्ड। जी सर, और सर कौन सा अप्लाइड आ गया है? यार अप्लाइड तो उधर होता है ना करो बैच, जैसे ही आपकी आंख लगी एक्सपेंडिचर का अप्लाइड कहाँ है? फॉर्मूले में ढूंढो अप्लाइड। अब ना इन चीजों के अप्लाइड क्या है? अप्लाइड क्या चीज है? यकीन है वो फिक्स ओवरहेड्स में बढ़ जाए, इधर भी आएंगे, लेकिन ये तो मैंने क्या किया? एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है और बजटेड प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड्स है। अभी आप लिखने की बजाय क्या करने लगे? एक्सेलेंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन ढूंढने लगे। तो पेज नंबर कैंडी प्लीज 149 आई थिंक 148, और कैंडी अपने रजिस्टर में से इसका आंसर ढूंढने लगे। और एक चीज जो कृपया मुझे ज्यादा एम्फोसाइज करनी चाहिए वो ये कि आप फुल कंसंट्रेट करने लगे। स्टार्ट करें सर, आपके सामने क्या है सर इस वक्त? पेज नंबर 148, डाटा के अंदर चले जाए। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर मैं आपसे कहूं कि गिवन है तो मुझे बता देंगे? ये सवाल देखें बेटा, सवाल देखो ना करो, ढूंढे 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 6 लाख के पीछे ब्रैकेट में जाए। फर्ज करें ये ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट ना हो, 6 लाख हो, क्या इवन देन फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन क्या ये ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी? ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, अगर आपने वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलग अलग कैलकुलेट करना, कल जरूरत पड़ी थी वो ब्रैकेट की, 2,90,000 अलग लिया था और 3,10,000 अलग कंसिडर करना पड़ा। क्या 6 लाख उठा लेने का मतलब मैंने एक्चुअल खर्चा सारा उठा लिया है? नीचे एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपने ढूंढना है, जल्दी जल्दी हो अपना डाटा देखें, आंसर देखें, कहीं ढूंढो, हिम्मत करें, हिम्मत करें, क्वेश्चन में भी लिखे हो एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, 25,000। तो 13 लाख डिवाइड बाय 52, व्हाट इज 25,000? पूरे वर्ड बोले। अब फुल हिम्मत करनी है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स में से गेम उठाई है हमने, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर बताएं, 7.5 वाई पर आर घंटे हैं, 25,000 घंटे हैं, क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर उठाएं, 375,000 फेवरेबल आया या एडवर्स आया? ये क्या आया? अभी कुछ नहीं आया, ये सिर्फ अभी क्या आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अभी बात खत्म नहीं, आगे है। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स में से ये उठा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ के बताएं कहीं से। सजी मत हिम्मत, प्लीज लुक एट द डेटा, सर जी सर जी सर्च फॉर द डेटा, घूम गया घूम गया, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स
गिवन नहीं है, एज इट इज गिवन नहीं है, कैसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट लाइंस में चले जाएं, फर्स्ट लाइंस में चले जाएं, व्हाट इज 45,000 यार, ये तो घंटे हैं, वो अभी वाले सवाल में तो घंटे थे यार, यहाँ यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट्स हैं ये, अब क्या ढूंढूं मैं, पर आर रेट या पर यूनिट रेट, फिक्स ओवरहेड्स का ढूंढूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का या वेरिएबल ओवरहेड्स का, फिक्स ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढ लें, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ढूंढ लें, 13 आ गया है, 13 आ गए, ऊपर आर ले लेते, ऊपर पर आर ली है, आर ली वर्किंग है तो आर का रेट लेंगे, और पर यूनिट वर्किंग है तो प्लीज पर यूनिट लेंगे, तो क्या लेंगे सर, आंसर बताएं, बट इज 2,92,500, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, फिगर्स मिल गई सबको, फिगर्स मिल गई सबको, अब बोर्ड पे देखें इन दोनों का सम करें, प्लीज कीजिएगा सर, सॉरी मैं इंडिविजुअल नाम भूलना बोलना भूल गया, दोनों का सम आया 667,500, ये एक्चुअल खर्चा आ गया, ये एक्चुअल आ गया, इसका एक नाम रख लेते हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये स्टैंडर्ड और बजटेड या स्टैंडर्ड है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके नाम जो दिया जाता है, इट इज स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जरा सोच में रखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, डेफिनेटली बजटेड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोला जा सकता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी शायद, लेकिन ये एक्चुअल नहीं, पास हो रही है, लेकिन फाइनल टच देखें जरा, एक्चुअल खर्चा कितना, डिफरेंस नहीं, 67,500, ये वेरिएंस है, फेवरेबल और एडवर्स का डिसीजन आपको पता चल चुका है, क्या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा ज्यादा है, ज्यादा है, फेवरेबल है एडवर्स है, वाई फेवरेबल, एक्चुअल खर्चा, खर्चे कंपेयर हुए, एक्चुअल खर्चा ज्यादा, एक्चुअल खर्चा कम होने की वजह से फेवरेबल, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ लिखने की कोशिश करें, अपना आंसर निकालना है, एक्सीलेंट वाला, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, वेयर इज रजिस्टर, रजिस्टर इज इन रजिस्टर, रजिस्टर इज रजिस्टर, अपना जरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर देखा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर देखें क्या, 65,000 फेवरेबल है या एडवर्स है, फेवरेबल है या एडवर्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में चले जाए, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस ढूंढना है, प्लीज ढूंढे सर जी, प्लीज ढूंढे सर, 2,500 फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल है, और क्या दोनों फेवरेबल्स मिलजुल के फैक्ट्री ओवरहेड का फेवरेबल वेरिएंस है, ये दोनों प्लस क्यों, दोनों अच्छे लग रहे हैं, अच्छाइयां अच्छाइयां जमा हो जाती है, फेवरेबल्स प्लस हो गए, तो ये जो फेवरेबल्स अलग अलग निकले हुए थे, ये उन्हीं अलग अलग फेवरेबल्स को हमने इकट्ठा निकाल दिया, ये किस वेरिएंस को, किन वेरिएंसेस को कंबाइन कर दिया गया है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस को इकट्ठा करके एक फार्मूला डेवलप हो गया, अब आप यहां से कैंडी नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन में और रिवीजन कर लेते हैं, तो आप कैसे कैंडी लिखे, मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह लिखना पॉसिबल होगा, जिस तरह मैंने आपके रजिस्टर में अगर इस टाइम बन जाए स्टोरी को बेहतर, अगर ना बन सके तो ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड ऊपर और राइट साइड नीचे, और सॉरी एक काम जरा कर लें, ये जो डेटा अपडेट है
इसके ऊपर हेडिंग लिखा है किस क्वेश्चन से डाटा एक्सेल। मैं मीटिंग प्लीज जब आप लोग लिख लेंगे तो बताओ। बेटा आपके रजिस्टर के पेज पे एक्सेलेंट लिमिटेड का सॉल्यूशन आपके रजिस्टर में है। तो बेटा वहीं से देखा है तो वहीं से भी कैसे देखेंगे 65,000 फेवरेबल। प्लीज मैं आपसे कहता हूँ रजिस्टर में देखें वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस आपके 65,000 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली फेवरेबल आए हैं। तो उन्हीं को इकट्ठा करके सॉल्व करो। पेज नंबर 89 से शुरू हो रहा है। ये फिगर्स पढ़ने में इशू तो नहीं? ये जो लास्ट लाइन में हजरात बैठे ये जो फाइनली फार्मूले में अपने चीजें लिखी हैं अगर लिख लिया है या लिख रहे हैं तो बोलते हुए कांड लिख रहे हैं। अगर जिन्होंने लिख लिया वो जरा एक दफा देख के बोलिए तो फार्मूले में क्या क्या उठाया था एक्चुअल फैक्टिव रेट जो था फिर उसका कंपैरिजन किससे हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टिव रेट फिर एक हेडिंग है उसमें वेरिएबल ओवरहेड से क्या आना है और फिक्स ओवरहेड से क्या आना है। तो ये कांडली जरा जो जो लिखा है इसको एक दफा जरा कांडली इंडिविजुअली बोल लो।
करने के लिख लें तो बता दीजिए। योनी सोर्स जो लोग लिखते हैं वो कैंडी जरा एबीसी लिमिटेड वाले क्वेश्चन का आ उधर ही है मतलब पेज नंबर 148। अब इसका आंसर ना ढूंढे, ये डायरेक्टली करवाएंगे, फिर बाद में आंसर से मैच करेंगे। पेज नंबर 148 इसके नीचे जो एबीसी लिमिटेड वाला उस पर जरा अप्लाई करवा जी। कुछ आप अगर लिख रहे हैं तो कैंडी बता दो, नोट कर ये आप लोग इस तरह करें जरा हेडिंग लिखते ना, कौन सा वेरियंस है, कौन सा वेरियंस है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस हेडिंग लिखते। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस का फार्मूला क्या है, बस ठीक है एक एक करके लिखते रहे और एक एक सॉल्व कर लो। नहीं आज सर आराम आराम से देख लेते हैं। हेडिंग बनाए फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नहीं नहीं इस तरह नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल सही लफ्ज फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढे सच 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 पूरा डाटा ढूंढे। अगला पेज पे भी थोड़ा सा मखन चलाएंगे, बल्कि एक्चुअल शायद नेक्स्ट पेज पे ही। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन सा सवाल हो रहा है, एबीसी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 6 शायद एंड पेज नंबर। जी सर रेडी। ये फिगर बेटा मेरा ख्याल है कि 30 गिवन नहीं, 26 मिलियन ढूंढे। 26 मिलियन क्या है, 26 मिलियन है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ढूंढे एक्चुअल 51.5 मिलियन, दोनों को इकट्ठा करके टोटल कर दो 31.1 मिलियन आई थिंक। लेकिन ये पहले तो अगर एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल ले लें। यदि अब्दुल रहमान नीचे कह दो यार कि बच्चों को बैठ जाने दे करिए, ऐसे वन वाले बच्चे आते हैं 2 से 3 हैं, उनका डेली बेसिस पे आते हैं कि बैठ जाने। 31.1 मिलियन क्या है सर, बोले सर जी बोले। तो अगर लेदर वाला फिगर्स है तो इकट्ठी हो। अब कंपैरिजन किससे करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है मैं जी सर अब इसमें जरा ऊपर जो अभी किया आपने उसकी स्टोरी एक दो दफा करनी पड़नी है तभी याद आएगा। अब इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से क्या आना है, एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर लेना। तो ये जो मैं वेरिएबल ओवरहेड जहां लिख रहा हूँ इसलिए शायद लिखना जरूरी है कि आगे आपको जहन में रहे कि आप स्टैंडर्ड रेट सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का आना है अभी, तो ये कोई लिखना गलत नहीं है, इसको साथ मेंशन करें अदरवाइज सर मुश्किल हो जाए। मत ढूंढे एबीसी लिमिटेड भी ढूंढते हैं। अब सवाल देखें एक्चुअल आवर्स वर्क कहीं से देख के बताएं,
हिम्मत हिम्मत जमानो हिम्मत हिम्मत, एक्चुअल आवर्स वर्क गिवन है, गिवन है, गिवन है 9,60,000। वो केजी हरारे की बात होती है, आवर्स चाहिए 9,90,000। अब अगला पूरा वर्ड दोबारा बोले, क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। पिछले पेज पर जाए, शायद आपके पिछले सफे पे, पेज पे एंड पे के पिछले पेज है, सही ढूंढ दे यार। 50 50 क्या है तो पर यूनिट ले ली यार, बाय पर आर, आर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या लिखो? 25 आंसर 24.75 मिलियन। एक फिगर आप लिखे, लेकिन अभी क्या और भी चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड से क्या चाहिए? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे बैठे थे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए जी, बजटेड फिक्स ओवरहेड सर्च करें एबीसी लिमिटेड। ओके गिवन है यार, गिवन है वैसे नहीं है, आ जाएंगे क्या इंशाल्लाह? कैसे? बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे ढूंढे सभी ढूंढे, 5 लाख बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स मिल गया सबको। मल्टीप्लाई में हिम्मत करते पिछले पेज पे चले गए। 5 यार बस कर दो, अब यार बस कर दो यार। 5 के तो आर्ली, कभी आर्ली रेट लेते हैं, कभी पर यूनिट के वजह, जब आर्ज होते हैं तो आर्ली रेट लेते हैं, जब यूनिट्स होते हैं तो पर यूनिट लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी 5 10 5 10 इज इक्वल टू व्हाट इज 5 मिलियन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, मिल गया बेटा सबको 10। अब क्या करूं? पहले दोनों को प्लस करके टोटल करें, 29.75 मिलियन। अब क्या करूं? अब क्या करूं? डिफरेंस ले किन का? एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस ले। क्या आंसर आया? 1,350,000। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन ले, वाई एडवर्स एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। ठीक है सर, एक सेकंड, अब एबीसी का आंसर ढूंढने जल्दी हो जाएगा, अब बाद में लिखेगा अगर कुछ रहेगा, पहले फाइनल कर लो। एबीसी लिमिटेड का आंसर अपने रजिस्टर में ढूंढे ढूंढे मिस्टर साद, रजिस्टर वो है। एक नजर पहले देख लेना ये किन वेरिएंसेस का आंसर आया है। वेरिएंसेस में है, रिकंसिलिएशन बनी हुई है इसके बाद वेरिएंसेस में। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ सेपरेट वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस? 12,50,000 फेवरेबल ही एडवर्स, एडवर्स। अब क्या ढूंढना है? अब क्या ढूंढना है? क्या क्या फिक्स्ड ओवरहेड का कौन सा एक्सपेंडिचर वेरिएंस ढूंढे नीचे? क्या नजर आ रहा है? क्या फेवरेबल नहीं है, ये भी एडवर्स है, तो क्या दोनों एडवर्सेस प्लस हो गए सर? ये किस इन वेरिएंसेस को इकट्ठा करके कैलकुलेट होगा, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को इकट्ठा करके फॉर्मूला बनावा। पहले लिखते हैं ये एबीसी पीछे है, ये देखिए फिगर्स। ठीक, आप नोट कर लें जरा इसे, कंडीशन टाइम लगा।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर आएगी? आप इस तरह कीजिएगा, पेज नंबर 94 नोट कर लीजिए, वैसे मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखे है ना, पेज नंबर 94 पे एक बनाइएगा। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ना एग्जैक्टली वही है हल्क लिमिटेड वाला, हल्क लिमिटेड वाला जो पहले किया था ये वही है, एक्सेप्ट ओनली रिक्वायरमेंट पे नहीं, एक तो मटेरियल के एज इट इज है, लेबर के एज इट इज है। अब ओवरहेड्स में आप क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी एज इट इज, और कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आप इस तरह करें, बेहतर ये है कि इस क्वेश्चन को जो पुरानी बातें भी है मटीरियल लेबर उसको भी री अटेम्प्ट करें, ये आपसे फिर गलत होना है। इस सवाल में बड़ा अच्छा है, घंटों से यूनिट यूनिट से घंटों की काफी अच्छी बहस है इसमें, तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली इसमें एंड वाली ओवरहेड्स कहेंगे से नई चीज है, बाकी जो चीजें हैं इसको भी मेरा ख्याल है आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से बस यही एक होमवर्क है, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट कर लें क्योंकि शायद कल से हम एनी वेनिसेस में कुछ और गेम आगे शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर कैंडी प्लीज यार, पेज नंबर 94 पे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नेम हल करवाला, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर, अल्लाह हाफिज। दोबारा बनाओ यार, दोबारा बनाओ, क्या ख्याल एक बार फिर, ये जो आज बेटा FA1 भी पढ़ते हैं, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये जो 1.5 घंटा दरमियान में है ये वेस्ट हो रहा है। यस सर जिस चीज को आप कह रहे हैं वेस्ट नहीं हो रहा, वो वेस्ट ही है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, नाश्ता घर से करके आ करें और यहाँ दोबारा नाश्ते की ब्रह इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये जो खासतौर पर ताज़ा ताज़ा कॉस्ट हुई है ये ताज़ा ताज़ा रिवाइज हो सकती है, तो इसको वेस्ट ना करें, कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो इसी टाइम में रिजॉल्व किया करें। अल्लाह हाफिज़, जल्दी से।